नमस्कार, मैं श्रीलता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। पंचांग हिंदू धर्म का कैलेंडर है और हिंदू धर्म में पंचांग का काफ़ी महत्व है। पंचांग पांच कारकों यानी तिथि, योग, करण, वार और नक्षत्र के अनुसार गणना और कार्य करता है, इसलिए इसका नाम पंचांग रखा गया। पंचांग के अनुसार एक साल में 12 महीने होते हैं और इसमें एक दिन को एक तिथि कहते हैं। इस तिथि की अवधि 19 से 24 घंटे तक की हो सकती है। पंचांग में यह भी माना जाता है कि हर माह में 30 दिन होते हैं और इन महीनों की गणना सूरज और चंद्र की गति के अनुसार ही की जाती है। चंद्रमा की कलाओं के ज्यादा होने या कम होने के अनुसार ही महीनों को दो पक्षों में बांटा गया है, जिन्हें कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष कहा जाता है। जानिए इनके बारे में विस्तार से। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा और अमावस्या के मध्य के भाग को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के अगले ही दिन से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। कृष्ण पक्ष को किसी भी शुभ कार्य के लिए उचित नहीं माना जाता और ऐसा कहते हैं कि इस पक्ष में या इस दौरान कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो शुभ हो, जैसे शादी, मुंडन या घर में कोई भी अन्य विशेष अवसर। इसके पीछे भी कई तर्कों का उल्लेख मिलता है, जैसे पूर्णिमा के बाद जब चंद्रमा घटता है यानी चंद्रमा की कलाएं कम होती हैं तो चंद्रमा की शक्ति यानी बल भी कमजोर होता है। इसके साथ ही चंद्रमा के आकार में कमी आने से रातें अंधेरी होती हैं, इस कारण से भी इस पक्ष को उतना शुभ नहीं माना जाता जितना शुक्ल पक्ष को मानते हैं। अगर आपको भी पंचांग में विश्वास है तो किसी भी विशेष कार्य को कृष्ण पक्ष में करने से नज़रअंदाज करें। शुक्ल पक्ष अमावस्या और पूर्णिमा के बीच के अंतराल को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। अमावस्या के बाद के 15 दिन इस पक्ष में आते हैं। अमावस्या के अगले ही दिन से चंद्रमा का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, या ऐसा कहा जाए कि चंद्रमा की कलाएं भी बढ़ती हैं, जिससे चंद्रमा बड़ा हो जाता है और रातें अंधेरी नहीं रहती बल्कि चांद की रोशनी से चमक जाती हैं और चांद की चांदनी से भर उठती हैं। इस दौरान चंद्र बल मजबूत होता है और यही कारण है कि कोई भी शुभ काम करने के लिए इस पक्ष को उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। किसी भी नए काम की शुरुआत भी शुक्ल पक्ष में ही की जाती है। हर महीने के 15 दिन कृष्ण पक्ष में आते हैं और अन्य 15 दिन शुक्ल पक्ष में। दोनों ही पक्षों की अपनी अलग अलग खासियत है, लेकिन इसमें कोई राय नहीं कि शुक्ल पक्ष को कृष्ण पक्ष से श्रेष्ठ मानते हैं। अगर आपका विश्वास भी पंचांग में है तो अपने विशेष काम शुक्ल पक्ष में ही करें। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।